प्रदेश के ग्वालियर शहर में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफिस इंडिया की ग्वालियर शाखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर एक इम्पैक्ट वॉकाथन का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से ग्वालियर शहर को बालिकाओं की सुरक्षा व शिक्षा के विकास को किस तरह जागरूक किया जाए तथा बालिकाओं के स्कूल चले अभियान के तहत हर लड़की को स्कूल पढ़ने भेजा जाए, ये संदेश दिया वॉकाथन में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ग्वालियर के समस्त पैरामेडिकल के छात्र। इसके साथ ही शहर की कई अन्य संस्थाएँ भी शामिल हुई। लायंस क्लब ग्वालियर, इंद्रप्रस्थ, बेटी है तो कल है, सामाजिक संस्था महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल की छात्राएँ, ग्रीनवुड स्कूल, गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज़। वॉकाथन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन की पूर्व महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह जी उपस्थित थी। उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ इन्होंने उपस्थित सभी प्रार्थी भागियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल चले अभियान के तहत हर बालिका को स्कूल भेजे तथा बालिका सुरक्षा पर विशेष अभियान भी चलाएंगे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तटोड़िया, बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, ग्रीनवुड स्कूल की संचालिका श्रीमती किरण भदौरिया, गूंज ग्रुप की संचालिका श्रीमती कृति सिंह वरिष्ठ, सामाजिक कार्यकर्ता ओमवती शर्मा, मालवा कॉलेज की संचालक मालिक संस्था सचिव डॉक्टर के दीक्षित, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य युवा आकृति परमार, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर जी, ब्रांच मैनेजर श्रीमती नीलम दीक्षित जी, कार्यकारिणी सदस्य अंकित प्रजापति, दीपमाला दिवाकर, काजल, मंजू सीमा उपस्थित रही। कार्यक्रम में श्रीमती नीलम दीक्षित द्वारा सभी को कार्यक्रम के उद्देश्यों पर जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन संस्था के कार्यक्रम अधिकारी अच्छेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया। रैली की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सीमा शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। रैली का मार्ग MITS कॉलेज के गेट से शुरू होकर गोले का मंदिर होते हुए फैमिली एसोसिएशन ऑफिस इंडिया ग्वालियर के कार्यालय पर समाप्त की गई। रैली में 230 लोगों ने भाग लिया। रैली को सफल बनाने में पंकज अग्रवाल, महावीर कुशवाहा, आशीष सोनी, गजेंद्र कुमार का मुख्य योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त संस्था के ब्रांच मैनेजर श्रीमती नीलम दीक्षित द्वारा किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, अध्यक्ष बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था सर्वन चैनल के माध्यम से आज मैं सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी से निवेदन करती हूँ कि सिर्फ एक दिन हम महिलाओं का नहीं है, 365 दिन हमारे यहाँ अगर 66 भी देते हैं वो भी हमारा ही होगा। अब हमारी भारत की महिला सशक्त हो चुकी है, उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को बदलने की है कि हमारी बेटी अब चांद पर भी पहुँच चुकी है, बस भी चला रही है, रेल भी चला रही है, तो महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, उनको अपने आप को प्रूव करना होगा। लेकिन अभिभावकों से मैं निवेदन करूंगी कि घर के जो भी निर्णय है उन्हें अपनी बेटियों की सहभागिता लें, क्योंकि घर के निर्णय से ही उनके अंदर बाहर जाकर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी। यही मेरा आपसे निवेदन है और बेटियों को पूरी आज़ादी दें। और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अगर हमारी बेटी पढ़ेगी तभी वो बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आज आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ कि वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। आज यहाँ बच्चियाँ बड़ी संख्या में हैं, मैं बच्चियों का उत्साह देखकर बेहद खुश हूँ और वो बच्चियाँ भी इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कुछ बहनों की इच्छा है कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं देख के हैरान हूँ बच्चों की उत्साह को और उनकी बातों को सुन के। लेकिन इसके बाद हम फिर एक ग्रुप में बैठेंगे और उन बच्चियों की जो रुचि है योग्यता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ें और उस क्षेत्र में जहाँ वो जाना चाहती हैं उन्हें कोई रुकावट ना आए, तो उसके लिए फिर हम बैठेंगे और पॉइंट्स तय करेंगे। और आज फिर से मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में मैडम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज का कार्यक्रम फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बालिका शिक्षा के प्रति जन चेतना जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। ये एक वॉकाथॉन के रूप में प्रभात फेरी और रैली का आयोजन है जिसमें कि माननीय माया सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित थी। विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है और लगभग 200 बच्चे, बच्चियाँ और महिलाएँ आज इस रैली को सफल बनाने में और जन चेतना लाने में। न्यूज़ 21 के लिए सागर शर्मा की रिपोर्ट।